the marble instead of doing these things. Okay. So this is actually the story. Unless and until you are going to take a pain, you are not going to become a role model like a statue. So this I want to tell you, better you just understand where you want to be, where you want to keep yourself. So you have to work hard. Yesterday also, I just was informing you the Dronacharya story for Pandavas, everything, a teacher. And today also, I just explain you how much you work hard, you will find out the results in that way only. And if you are not going to do your studies properly, you are not going to reach your goal. So please, okay? Mute. So this actually story, I informed you the story of a marble tile and a marble statue. Okay, now we will just start our next lesson. Goa Jaisa Maine Dekha, lesson number 5. 4 I'll just tell you afterwards, but this I want to now start lesson. Okay, so now the story. Yes. Don't use your pencils. Don't mark the screen. First only, I'm just informing. Goa. यह नाम सुनते ही सबका मन तरंग को उड़ता है और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति आबोहवा और आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं. Now you see, this story is from Goa. So I just in the starting lesson only I just tell you something about the Hyderabad, but here our lesson is a Goa. So have you visited Goa? So many, around 40 beaches are there totally in Goa. Totally 40 beaches are there, but most important beaches are only 7 to 8. 40 beaches in all over the Goa. It is a beautiful city, and actually this was actually the time to visit there, but now you see, because of this coronavirus, we can't go anywhere. So but okay, from this lesson we come to know more and more about the Goa. Yes, Goa. Yeh naam sunte hi sabhi ka man tarangayat ho udta hai. Tarangayat, the meaning of tarangayat means, you know, how we just feel it. How we just feel it. We just feel it means something. Just our heartbeats will increase, and definitely you see we want to move. When now it's a hot summer season is also going on. ये summer season में तो ऐसा लगता है हाँ कहीं समुंदर के किनारे जाएं और हम हमारा enjoy करें. ठीक है, अभी नहीं हो सकता, but ऐसा लगता है सबको, मतलब मन हमारा खिल जाता है. सो मीनिंग ऑफ मन उमंग से भर जाता है एक, कि हमको ऐसा हैप्पी फील होता है कि हाँ सही बात है, हमको भी जाना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए. यहाँ की प्रकृति आबोहवा, आबोहवा मीन्स वहां का जल एंड हवा, बोथ. आबो मीन्स जल, हवा मीन्स एयर, यू नो. तो ये वहां की प्रकृति आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण, जीवन शैली मीन्स हमारी लाइफस्टाइल का आकर्षण मीन्स एक अट्रैक्शन है. पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं. पर्यटक मीन्स टूरिस्ट. टूरिस्ट वहां पे, मतलब हम लोग अभी नाम भी सुनते हैं ना, तो जो लोग विजिट करके आए हैं तो उनको यस डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि हाँ कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब ये हमारे पास फैसिलिटीज मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन की, आने जाने की. तो रियली अगेन वी वॉन्ट टू विजिट सच टाइप ऑफ प्लेसेस बिकॉज इट्स रियली अ ब्यूटिफुल वन. बहुत अच्छी सिटी है, घूमने लायक की है और बहुत मजा आता है क्योंकि बीचेस है बहुत सारा है. वहाँ की संस्कृति एक अलग ही है, वहाँ का पहनाव अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है. तो इट्स अ टूरिस्ट प्लेस ओवरऑल. वो टूरिस्ट प्लेस रहने के लिए ऐसा लगता है कि ठीक है, सिर्फ हम ही को नहीं, हम सबको ये लगता है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से ऐसा लगता है. अब हमको भी तो लगता ही है कि हाँ सही बात है, हम भी घूमने जाए. तो इंडिया में भी रहता है ये, तो टूरिस्ट खुद ब खुद वहां खींचे चले आते हैं.
देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के लिए दिल की धड़कन है। यस, जब हम वहां पे जाते हैं, अब मैं जितना भी आपको इस स्टोरी में बताऊंगी ना, तो आप सिर्फ रियलाइज करो एंड यू जस्ट थिंक अबाउट इट दैट यस यू आर इन गोवा। अब मेरी स्टोरी के फीलिंग से आप लोग ये सोच लो कि आप लोग गोवा में हैं और वहां के मजे ले रहे हैं, जो नहीं गए हैं, और जो गए हैं वो तो वहां से ही इमेजिन करो कि हाँ आप लोग भी यहाँ यहाँ गए थे और क्या क्या देखा है, वो सब अपने मेमोरीज रिकॉल करके एंजॉय करो। और आज सारा दिन ये जो विजिट करके आए हैं, सारा दिन ये रिकॉल करके पूरा अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करना और ऐसा सोचना कि यस यू आर एट प्रेजेंट इन गोवा। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य है, यस ये एक छोटा सा राज्य है, बट ये इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जाती है और बहुत सारे लोग जाने को तरसते हैं कि हाँ जिंदगी में एक बार तो, जैसे फॉरेन का कई जन सोचते हैं कि हम लोग स्विट्जरलैंड जाएं, तो इंडिया का ये सोचते हैं कि हम गोवा भी जाएं। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। एक इंदौर की फैमिली है, इंदौर जो एमपी में आता है मध्य प्रदेश में, और ये सलमान खान की बर्थ प्लेस है। तो ये इंदौर, इंदौर की एक फैमिली गोवा में विजिट की और उनको भी था बहुत अपने परिवार को और परिवार के साथ घूमने जाएं। कई जन ऐसे बोलते हैं कि ये मतलब फैमिली टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली टूरिस्ट प्लेस है, आप अपने फैमिली के साथ जाइए और एंजॉय करके आइए, जो लोग नहीं गए हैं। यही कारण है कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि यही कारण है कि वो भी वो इंदौर से हैं और वो अपने परिवार के साथ जाके वहां पहुंची गए, क्योंकि उनको भी बहुत था कि मैं भी गोवा जाऊं और विजिट करूं। यस, वहां की हर एक चीज देखने की लायक है, जैसे वहां की चर्च है, वहां के बीचेस हैं, हर एक प्लेस का वहां का एक अलग ही मजा है। खंडवा से मेरे साडू साहब भी सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। खंडवा से मतलब वो भी एक एमपी की प्लेस है खंडवा। खंडवा से मेरे साडू साहब भी, साडू मींस यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर के वाइफ के मतलब उनके मतलब ऑथर के साली के हस्बैंड, उनको साडू कहा जाता है। तो खंडवा से उनके साडू की फैमिली भी, मतलब कभी कभी कई लोगों का ऐसा रहता है कि सिर्फ वो सोचते हैं कि बस हम हमारे परिवार वाले जाएं, और कई जनों को ऐसा लगता है कि हम दो चार फैमिलीज मिलके जाएं ताकि ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे हमारे ऑथर जो हैं उनका ये बोलना है कि उन्होंने अपने साडू के परिवार को भी साथ में लेके गए, खुद का परिवार और उनका भी परिवार, तो दोनों परिवार साथ साथ गोवा के लिए चल पड़े और आखिर वो गोवा पहुंची गए। अब वो लोग कब निकले, 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, सुबह का उजास, उजास यानी रोशनी हो गई थी, सुबह हो गई थी। 23 नवंबर को हमारे ऑथर निकले वहां से और उन्होंने गोवा एक्सप्रेस पकड़ा और वो मडगांव, एक वहां का प्लेस का नाम है गोवा का, वहां उतरे, मडगांव वहां ट्रेन रुकती है, वहां का स्टॉप है, और वो वहां रुक गए। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। यस, वहां पे टैक्सीज चलती हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। तो वो वहां पे जैसे ही मतलब वो हम लोग जब वहां पे उतरते हैं गोवा में, तो पहले तो जैसे स्टेशन को देखते हैं, हाँ हम पहुंच गए अभी गोवा, तो वो वहां से ऐसा अपने उसी फीलिंग्स में था ऑथर कि हाँ हम लोग अभी गोवा पहुंच गए, अब हमको आगे आगे प्लानिंग्स करने हैं और हमको गोवा पूरा विजिट करना है, देखना है। लेकिन जैसे ही टैक्सी ने हॉर्न बजाया तो उन ऑथर का ध्यान तब उस टैक्सी पे पड़ा, तब तक उसका ध्यान नहीं था, तब तक वो सिर्फ अपने स्टेशन को ही देख रहा था और रियलाइज कर रहा था और फील कर रहा था कि यस कि हम सच में भी गोवा पहुंच गए हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी कि अपने परिवार के साथ मैं वहां पे गोवा जाऊं और देख के आऊं। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी,
शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। ओके, अब यहाँ पे उन वो लोगों ने टैक्सी पकड़ लिया और बैठ गए उसमें। तो जैसे ही टैक्सी में बैठे तो वो बहुत ही एक छोटी छोटी नैरो रोड्स थे, बहुत ही नैरो टाइप के रोड्स, ऐसे बहुत सारे हैं गोवा में, बड़े भी रोड बहुत है बट टूरिस्ट प्लेस रहने के कारण में इतनी प्लेस नहीं रहती है कि बहुत बड़ा हम लोगों को रोड रहे ताकि बड़ी बड़ी व्हीकल्स का अप एंड डाउन चल सके, तो वो वैसा नहीं है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्लेस कवर रहती है होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और खासतौर पे जब फंक्शंस वगैरह भी रहते हैं, जैसे दिसंबर मंथ में भी, जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन वगैरह भी रहता है 25th दिसंबर को, डोंट पुट द मार्किंग्स। सो दिसंबर में बहुत ज्यादा वहां पे रश रहता है और एक्चुअली देखा जाए तो वो सबसे अच्छा पीरियड रहता है, बट ऑलमोस्ट ऑल सभी होटल्स वगैरह सारे बुक रहते हैं एंड रेट ऑफ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। बट वो एक वहाँ का, बिकॉज वहाँ पे कैथोलिक्स ज्यादा हैं, क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वहाँ के खुद के लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉयंगली रहते हैं तो इतनी ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाती है। एंड वहाँ के नैरो रोड्स इस वजह से हैं कि इतना फेमस ये टूरिस्ट प्लेस है कि चारों तरफ से होटल्स रेस्टोरेंट्स पूरे कवर्ड हैं, तो रोड्स इस मामले में बहुत छोटे हैं। तो जब टैक्सी पतली सी सड़क से निकल रही थी तो एक मतलब शीतल हवा मींस एक फ्रेश एयर का झोंका, उनको एक फ्रेश एयर मिलने लगा जिससे उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया उनका मन। यस, अब हम अगर कहेंगे कि रोड तो छोटी है लेकिन शीतल हवा, यस वहां पे बहुत ही, क्योंकि वहां पे मैंने पहले ही बोला कि 40 बीचेस हैं, उसके बाद भी बीचेस तो हैं ही पर वहां पे ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है और वहां का एटमॉस्फियर ह्यूमिड रहता है बिकॉज टेम्परेचर तो ऑल ओवर रहता है बट ज्यादा नहीं रहता ह्यूमिड, एडजस्ट करने लायक का रहता है बिकॉज वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है इस वजह से। तो शीतल हवा का झोंके ने उनका मन प्रसन्न कर दिया और वो जो इतना सफर करके आए थे, ट्रैवलिंग करके आए थे इंदौर से, बिकॉज एमपी से जब वो आए थे तो वहां आने तक, वहां पहुंचने तक उनको बहुत टाइम लगा ट्रैवलिंग में। तो कभी कभी हम लोग ट्रैवलिंग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर तय करते हैं तो बट नेचुरल है कि थकावट जरूर हो जाती है, बट जब ये हवा चली, जब वो लोग टैक्सी में बैठे और नैरो रोड से निकलने लगे तब भी उनका पूरा जो ये था थकावट थी वो पूरी दूर हो गई और उनका मन भी प्रसन्न हो गया, खुश हो गए और उनको जो फ्रेश एयर मिल रहा था और वो खुशी बयां कर रहे थे अपनी कि हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ओके, यस, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है, जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। यस, हम जब हमारी लाइफ में हम रूटीन में, जब ऑलवेज रूटीन में चलते हैं तो तब हम लोगों को लगता है कि अब हम लोग ने परेशान हो गए हैं ये सारी हमारी रूटीन से, कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर आना है, क्लास अटेंड करना है, होमवर्क करना है, फिर खाना खाना है, सोना है। सो इट बिकम्स अ कंप्लीट रूटीन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये एक हमारे लिए समस्या बन गई है, ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसका हमको सॉल्यूशन चाहिए मीन्स निजात चाहिए, मीन्स हमको मुक्ति पाना है। हियर द मीनिंग ऑफ निजात इज हमको मुक्ति पाना है। अब हमको इससे मुक्ति पाना है मीन्स हमको कहीं ना कहीं जाके अपना माइंड फ्रेश करके आना है। इसीलिए तो कहते हैं कि 7 days का जो वीक है उसमें हम लोग एक संडे इस वजह से रहता है कि तब हमारे कोई टाइमिंग्स नहीं रहते हैं, न उठने के, न सोने के, न खाने के, न पढ़ाई करने के, क्योंकि हमारे माइंड को हम लोग एक अलग तरीके से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे भी वही तरीका है, वही बताते हैं कि हम अपनी पूरी जीवन की सारी समस्याएं रोज, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, रोज सुबह उठना है, हमारे लिए टिफिन बनाने हैं, फिर जॉब पे जाना है, अर्न करना है, हमको पालना है, हर एक चीज दोनों करते हैं। तो और हम
स्टूडेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, सभी के लिए लाइफस्टाइल सेम है क्योंकि हमें काम तो करना ही है। तो यही सारी समस्याओं से हमको कुछ ना कुछ रिलैक्समेंट चाहिए। उस पाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि कहीं, हाँ अभी तो हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाके एटलीस्ट फॉर वन डे और टू डे, कई जन वन डे का अगर जिनका रहता है तो लोकल में ही कहीं घूम के आते हैं, बिकॉज हियर इन औरंगाबाद ऑल्सो वी फाइंड सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस, जाके हम लोग एंजॉय करके आ जाते हैं, ताकि हमें चेंज करना है कुछ अपने लिए, बदले हुए वातावरण। यस, अगर हम लोग औरंगाबाद में अगर हम लोग घूम के आते हैं तब भी हम काफी रिलैक्स होते हैं, बट कई जन ये सोचते हैं कि हमको 2-3 दिन के लिए अगर बाहर जाना है तो हमारा एटमोसफियर भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हियर वी विल गेट द सेम एटमोसफियर वट वी आर हैविंग एंड इफ वी आर मूविंग टू अनदर सिटीज। अगर हम थोड़े से बाहर कहीं और कोई स्टेट में जा रहे हैं, कोई और टाउन्स में जा रहे हैं, तो वहाँ का हमारे एटमॉस्फेयर बट नेचुरल है, चेंज ही मिलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। हम तरोताजा मीन्स हम लोग फ्रेश हो जाएंगे और तथा हमारे शरीर को भी कुछ हमारी बॉडी को भी कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें सोच के ऑथर ने सोचा कि यस हम भी कहीं घूम के आए। तब उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपने परिवार के साथ में अपना साडू का भी परिवार लिया और वो दोनों परिवार मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि हम गोवा विजिट करके आते हैं और अपना जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे डेली रूटीन है, उसमें से थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए भी कुछ रिलैक्समेंट ढूंढ के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। सो टिल हियर ओनली आई कैन जस्ट टीच यू। Next paragraph, I'll just continue tomorrow because of the time. We don't have the sufficient time. So next, second paragraph, third paragraph, I'll just continue tomorrow. Till that time, you just, all of you go through your books. And today I'm going to send you the notes also. So many notes I'll just send you. You just write it. And whenever you'll just get time, you learn these things. Because as soon as the school reopens, we are going to take that test. So, because almost now you see 4 lessons we are going to complete of Hindi as well as like Marathi also and other languages. So here this was the information. Till that time, take precautions, stay safe, stay home. Thank you all of you for listening to me. Okay.